पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देशानुसार जिला पुलिस कुरुक्षेत्र द्वारा पुलिस उपस्थिति दिवस मनाया गया। इस संबंध में जिला कुरुक्षेत्र में 11 स्थानों पर विशेष नाके लगवाए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करण गोयल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा पुलिस उपस्थिति दिवस के अवसर पर जिला में 11 स्थानों पर नाके लगाकर विशेष नाकाबंदी की गई। इसके साथ साथ जिला में विशेष कार्यक्रम के तहत करीब 48 पैदल पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त पर लगाई गई। यातायात व्यवस्था में दैनिक ड्यूटियों के अतिरिक्त करीब 250 पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाकर आम जनता के बीच पुलिस की उपस्थिति दर्ज करवाई गई। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र द्वारा पूरे जिले में पुलिस की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक यातायात व्यवस्था व दैनिक ड्यूटियों के अतिरिक्त करीब 250 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पैदल गश्त तथा नाकाबंदी पर जनता के बीच में मौजूद रहे। जिला कुरुक्षेत्र में मोहनगर चौक, पुराना बस अड्डा, देवीलाल चौक, पिपली चौक, सेक्टर 2-3 कट, इंद्री चौक, लाडवा, बराड़ा रोड, शाहबाद, कुम्हार, माजरा, ट्यूकर, अधोया, बस अड्डा पेहोवा आदि पर विशेष नाके लगाए गए। इस अवसर पर पुलिस द्वारा जिला की गलियों, मार्केट एरिया व अन्य स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई गई। पुलिस अधीक्षक सहित सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज, 25 चीता राइडर, PCR व स्कूटी आम लोगों के बीच उपस्थित रहे। पुलिस को अपने कार्य को निभाने के लिए आम लोगों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। आज कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा पुलिस प्रेजेंस डे मनाया जा रहा है, जिसमें हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक पुलिस की उपस्थिति जनता में ये महसूस करवाएंगे, जिसमें हमारा एक स्पेशल अभियान ये चल रहा है। करीब 11-12 हमने स्पेशल नाके लगाए हैं। इसके अलावा करीब 50 पुलिस फुट पेट्रोल पार्टी, जिसे कुछ टुकड़ियों में हमारे पुलिस मुलाजिम आपके बीच में उपस्थित रहेंगे, घूमेंगे भीड़भाड़ वाले इलाकों में, वो गश्त करेंगे, आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। तो ऐसे ऐसे ये पूरे हरियाणा में ऐसे कुछ दिवस मनाए जाते हैं जिसमें पुलिस और आम जनता का आपस में एक संबंध और मजबूत हो और कॉन्फिडेंस एक दूसरे के प्रति आ सके। तो ये आज एक दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारा मेन मकसद होगा संदिग्ध व्हीकल्स को, संदिग्ध आदमियों को चेक करना, चोरी रोकना, भीड़भाड़ के इलाकों में नज़र बनाए रखना, ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था करना, और इसके अलावा जो कोविड का काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है उसकी भी प्रोटोकॉल को फॉलो करवाना हमारा उद्देश्य होगा। तो आप सबसे भी ये सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं, और आज के दिन अच्छी पुलिस और पब्लिक की इंटरेक्शन को हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।